नरसिंहपुर जिले के मुड़िया गांव में कंस वध की परंपरा लगभग 200 सालों से अनवरत चली आ रही है। कंस का वध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मुड़िया गांव में इस परंपरा को सदियों से निभाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 200 साल पहले यहां प्लेग की महामारी फैली और भगवान कृष्ण ने कुशवा परिवार को स्वप्न देकर हर घर से मिट्टी लाकर गांव के बाहर कंस की प्रतिमा बनाकर उसका सांकेतिक वध करने को कहा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और ग्रामीणों के मुताबिक तभी से आज तक गांव में किसी की अकाल मौत नहीं हुई। देखिए यह खास रिपोर्ट। आमने सामने है दो सेना, एक तरफ कंस की सेना तो दूसरी तरफ कृष्ण की सेना। स्टेडियम बना युद्ध का मैदान, कृष्ण भी रथ पर सवार होकर कूच कर गए तो राक्षस भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार हैं युद्ध लड़ने। आसपास के गांव के लोग चारों तरफ से युद्ध का लाइव नजारा देखने तैयार खड़े हैं। अब युद्ध के नियम भी सुन लीजिए। गाँव वालों ने अपने अपने खेतों और घरों से मिट्टी लाकर गाँव के बाहर कंस की एक मूर्ति बनाई थी और उसके मुकुट के ऊपर सफेद फूल जिसे कलगी कहते हैं, कृष्ण को आकर इस कलगी को मुकुट से निकालना होगा और अगर यह निकालने में कंस का सांकेतिक वध मान लिया गया तो राक्षसों की सेना कृष्ण को रोकती है और जमकर होता है दोनों सेनाओं के बीच युद्ध। एक्सटेंशन व्यू इस पूरे युद्ध की लाइव कमेंट्री भी देसी अंदाज में चलती है। ज्यादातर बच्चे भी इन दोनों सेनाओं में शामिल होते हैं। 4 से 5 घंटे यहाँ ऐसा ही नजारा होता है और आसपास के गांव के लोग इसका जमकर मजा लेते हैं और आखिरकार जीत कृष्ण की होती है और जश्न शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन व्यू ग्रामीण बताते हैं कि सालों पहले जब गांव में महामारी फैली तो भगवान ने सपने में आकर कहा कि बीमारी और बुराई का अंत के लिए गांव के प्रत्येक घर से कच्ची मिट्टी लाकर कंस को बनाए और उसका वध करें जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कंस वध के रूप में मनाते हैं, तब से यहाँ तक कोई ऐसी महामारी नहीं आई। इसके बाद में अब तो प्लेग जैसी बीमारियां खत्म हो गई है। अब आज के दौर में हम देखते हैं जैसे जुआ सट्टा, इसमें सामाजिक बुराइयां, बच्चियों की भ्रूण हत्या, ऐसी उसके रूप में जो बुराई जो कंस की तरफ जो राक्षस प्रवृत्ति की जो बुराइयां हैं इनको मिटाने के लिए, जो अच्छाई की विजय बुराई पर काबू पाने के लिए आज हम देखते हैं। आज की स्थिति में जैसे धारा 370 है कश्मीर की, जो घुसपैठी है जो आपके बांग्लादेश के या पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, कश्मीर की समस्या 370 धारा के हिसाब से जो हटाई गई संविधान उसको हटा के एक नया कश्मीर स्थापित किया सुख शांति के लिए, आज उसी रूप में हम इसको आयोजन को मनाते हैं। कैसे मनाया जाता है ये पर्व, कहाँ से डुमान आता है और फिर किस तरीके से एक युद्ध होता है, उसके बाद ही कलगी से क्या महत्व की कलगी निकाल के कैसे उसको मतलब युद्ध को माना जाता है, कंस का पद माना जाता है। बाइट पियो आयोजनकर्ता और गांव सरपंच के मुताबिक मुड़िया गांव के प्रत्येक घर एक एक दो दो मूर्ति मिट्टी लेकर बनाए जाने वाले इस कंस के वध के साथ बुराई को मिटाने का संकल्प लेकर ग्रामीण पुरानी परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं और साथ ही सामाजिक बुराई जैसे नशा गंदगी खुले में शोच बंद करने की भी शपथ ली। जगह देखे लेकिन कंस वध एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जो सिर्फ नरसिंहपुर जिले के इस ग्राम मुड़िया में आयोजित किया जाता है। लगभग 150 से ज्यादा वर्ष हो गए इस परंपरा को यहाँ मनाए जाते हुए। मान्यता इसके बारे में ये कहा जाता है, जैसा कि हमारे प्राचीन बुजुर्ग लोग बताते रहे हैं कि 150 साल पहले इस गांव में एक महामारी आई, जब यह गांव लगभग अभ्युदय की स्थिति में था, इसका पूरी तरह से निर्माण भी नहीं हुआ था इस गांव का, तब एक महामारी आई और लोग हर घर से लोग बीमार पड़ने लगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए उस समय मेडिकल सुविधाएं तो हुआ नहीं करती थी, तब कहते हैं किसी कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को भगवान ने स्वप्न दिया कि अगर आप सब लोग पूरे गांव के लोग मिलकर गांव के बाहर चौराहे पर कंस की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से और उसका वध किसी बालक द्वारा उत्सव के रूप में करते हैं। बदलते दौर में पुरातन परंपरा को युवा सोच ने नए आयाम को लेकर वर्षों से चली आ रही परंपरा को जीवंत रखते हुए असल सामाजिक बुराई के अंत का जो रास्ता चुना है उसे नए नजरिए से देखे जाने और अपनाने की जरूरत है ताकि समाज को नई दिशा मिल सके, तभी यही मायने में बुराई के कंस का वध होगा। खबरबार न्यूज के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।